राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बुधवार की शाम द जंगल रंबल बॉक्सिंग का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बॉक्सिंग का आनंद उठाया। मुख्य आयोजक रहे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई की और स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबले द जंगल रंबल के आयोजन के दौरान राजधानी के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बुधवार की शाम बॉक्सिंग प्रेमियों के लिए शोर गूंज उठा। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन के लिए इंडोर स्टेडियम में पहुंचे, उनकी अगुवानी के साथ स्वागत मुख्य आयोजक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंच पर महासचिव होरा और बॉक्सर विजेंदर सिंह के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान मुख्य आयोजक होरा के कार्यों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर सराहना की। बॉक्सिंग रिंग में पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में विकसित करने की दिशा में पेशेवर मुक्केबाजी जरिया बनेगी। छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में भी स्थापित करने का उनका प्रयास रहेगा। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की पेशेवर लड़ाई इस योजना को और मजबूत करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बॉक्सिंग भी देखा। पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन हुआ और 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। विजेंदर वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता, प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरे निवास में भी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई। अब बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारी छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। बॉक्सिंग का ये मैच राजधानी समेत प्रदेश भर के मुक्केबाजों के साथ दर्शकों के लिए काफी यादगार रहा, लेकिन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्य आयोजक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की मुख्य भूमिका रही। वे इस आयोजन से पहले और बॉक्सिंग के समापन पर पूरे दमखम के साथ वहाँ मौजूद रहे हैं। उनकी बिटिया की शादी का कार्यक्रम चल रहा है, उनके घर मेहमानों का आना जाना सुबह से रात तक लगा रहता है। उसके बावजूद भी मुख्य आयोजक होरा ने इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार प्रेस वार्ता लेकर बॉक्सिंग की स्पर्धा को सफल बनाने की अपील, समय समय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर इस आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। बॉक्सिंग स्पर्धा समाप्त होने तक वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। उनके कार्यों को देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। बॉक्सिंग के समापन के बाद गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम विश्व के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाएगा, इसका प्रयास भी लगातार जारी है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना की। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बॉक्सिंग का प्रोफेशनल, जिसमें विजय सिंह आज सुले जी जो है वो दूसरे राउंड में हार गए, निश्चित रूप से इंडिया की बहुत बड़ी विजय है और मैं विजेंद्र को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहली बार अपने शहर में, राजधानी में हमको ये बॉक्सिंग देखने को मिली और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन देखिए हमारे इंडिया में जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो विजेंद्र कुमार जी, कितनी ताकत है, हमको ज्यादा देखने का मौके नहीं दिए, दूसरी बार में उसको सामने वाले को उड़ा दिए, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इंडिया के वो नाम रोशन किया है और छत्तीसगढ़ में आज खेले हम लोगों को भी बड़ा अच्छा देखने को मिला, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी, भूपेश बघेल जी ने, बड़ा अच्छा लगा उनको देखकर। देखते थे टीवी में, सुनते थे, लेकिन आज सामने रूबरू देखे तो बड़ा अच्छा लगा। मुक्केबाजी देखने के लिए अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में आए, नेशनल लेवल के खिलाड़ी आए, उनको हम लोग रूबरू सामने देखे, और ये सब चीज हमारे CM साहब के सहयोग से ही हो पाया। हम लोग सब मिल के CM साहब को इस आयोजन के लिए बधाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।